नमस्कार सभी को। तो जैसा आप देख सकते हो, ये महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 GI 4x4 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। वैसे इसकी सर्विस होना है, ये ट्रैक्टर भी पहली सर्विस हुई है 100 घंटे पे, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है। तो इसमें देख सकते हो आगे ओल्ड वाला इसके अंदर बॉक्स लगा हुआ है। तो ये ट्रैक्टर जो है ना, इसमें अपोलो के टायर मिल जाते हैं और इसके टायर का साइज़ जो है 9/5/24 का है और पीछे के 16/28 के टायर मिलते हैं MRF के। और यहाँ देख सकते हो डबल पैड पायदान मिलता है पकड़ चढ़ने के लिए, और यहाँ पे हैंडल भी लगवा सकते हो लोग, यानी कि पकड़ने के चढ़ने के लिए इन्होंने लगवाने की। बिल्कुल भी नया ट्रैक्टर है, डुअल क्लिच में ट्रैक्टर आता है, डबल क्लिच में सॉरी, ये क्लिच अलग काम करता है और वीडियो क्लिच होता है वो वाला। इस ट्रैक्टर की मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैंने बना रखी है और डिटेल में, उसे भी जाकर देख लेना आप, ठीक है ना। वो 4x2 है और ये 4x4 है। 9,70,000 रुपये लिया भाई ने, किसान से मैंने पूछा है। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और ना लगे तो भी लाइक कर देना, क्योंकि एक एक वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है और बहुत ज़्यादा हमें उत्साहित करती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो उसका देख सकते हो 3,33 के इंजन है, लगभग 4 सिलेंडर बॉस का इंजन पंप मिल जाता है, और ये 57 horsepower ट्रैक्टर होता है। वैसे 60 horsepower की पावर निकालता है, 57 horsepower मिलता है कागजों में। ये लीवर आता है बोनट खोलने के लिए, और ड्राई एक इंजन मिलता है 3 stage में, देख सकते हो कितना बड़ा है, और रेडिएटर कितना बड़ा है इसमें, डबल जाल मिलती है ताकि गर्दा धूल ना जाए। और इसमें देख सकते हो पॉइंट मिल जाता है, ज़्यादा आगे ट्रैक्टर में ब्लिंक कर जाए, हमारा रेडिएटर जाम है नहीं है, ठीक है ना। 4x4 ट्रैक्टर होता है, और इस ट्रैक्टर में 18 gear मिलते हैं, 3 reverse और 15 forward। तो क्योंकि इसमें ABC 3 linkage मिल जाते हैं, पीछे से देख सकते हो आप ट्रैक्टर को कुछ इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है ना। मडगार्ड बड़ी शानदार होते हैं, फेंडर इसके बैठ के पकड़ के चलने में लिंकेज देख सकते हो कितना हैवी है, कंपनी फिटेड है ये, ठीक है ना। इसमें PTO की जो गियर है, लीवर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हो, और ये इसका PTO का अलग से क्लिच मिल जाता है, तो आपको डबल क्लिच, उससे क्लिच की लाइफ बढ़ जाती है। और ट्रैक्टर काफ़ी हैवी है, और ट्रैक्टर का जो हाइएस्ट जो डीजल लेने का खपत है वो 5.5 से 6 liter डीजल लेगा, आप कुछ भी लोड डाल सकते हो। यहाँ देख सकते हो इसमें प्लेट दे रखी है जिसमें सब कुछ लिख रहा है कितने HP में आए। इसके PTO पावर जो है 50.3 HP का है, ठीक है ना, 605 DI है। और इधर देख सकते हो उसमें रात के लिए रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है, आप अच्छे से काम कर सकते हो। भाई ने बड़े शौक से इसमें बूफर वगैरह लगा रखा है, जिसका है अपने के काम करते हैं, कोई भाड़े काम के ट्रैक्टर नहीं ले रखा। इधर देख सकते हो कितना अच्छा, और उसमें चाबी देख सकते हो कहाँ लग रही साइड में, जैसे कार की चाबी होती है इस तरह की चाबी मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। और ये ट्रैक्टर में सैडल शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है, जिस स्पीड में आप ट्रैक्टर आगे लेके जाएंगे उसी स्पीड में आप पीछे कर सकते हो। ये सैडल शिफ्ट गियर बॉक्स का आप देख सकते हो, ये वाला आगे करोगे तो आगे, पीछे करोगे पीछे, उसी स्पीड में। और ये 4x4 का इसमें लीवर मिल जाता है, देख सकते हो आप, और इसमें डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है, अगर ट्रैक्टर कहीं आपको फंसता है तो आप इसे दबा करके सीधा करके निकाल सकते हो ट्रैक्टर को, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म इसे बोलते हैं, प्लेटफॉर्म फ्लैट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मुझे सबसे शानदार प्लेटफॉर्म लगता है। और इसकी एक्सीलेटर जो मिल जाती है वो कार जैसी मिलती है, आप देख सकते हो कार जैसे एक्सीलेटर मिल जाती है, तो किसान बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकता है बिना थके। यहाँ देख सकते हो ग्रैब हैंडल मिल जाता है पकड़ के चढ़ने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ ABC 3 lever के गियर मिल जाते हैं, और दूसरे साइड में इसमें 5 gear मिल जाते हैं, फॉरवर्ड 1 gear मिल जाता है रिवर्स, तो टोटल 18 gear हो जाते हैं इस ट्रैक्टर में। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस गियर में भी ट्रैक्टर होगा उस गियर में आप आगे और पीछे ले जा सकते हो। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें 5 gear मिल जाते हैं, और इधर इसमें चाबी मिल जाती है कार की तरह साइड में स्टार्टिंग करने के लिए, ये हैंड की एक्सीलेटर हो जाती है, और इसमें सस्पेंडेड क्लच और ब्रेक मिल जाते हैं ओल्डिम ब्रिस्ट वाले जैसे कार के होते हैं, तो इसमें थकावट बिल्कुल नाम मात्र की होती है। और साइलेंसर इसका भार होता है, बहुत किसानों को पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और भार इसमें जाली होती है साइलेंसर पर, ताकि हाथ आपका फूके ना। और इसकी जो मतलब महिंद्रा ने जो वो दी है एम्बोसिंग, वो काफ़ी शानदार दिया है, जिसे हम बोल सकते हैं इसकी जो मतलब इस पर डिज़ाइन जो आया है ना, वो बहुत शानदार है, वैसे एम्बोसिंग बोलते हैं इसको। और इधर देख सकते हो डुअल इलेक्ट्रिक, इसमें पावर स्ट्रिंग मिल जाता है, इधर भी रोड है उसकी, उधर भी। ये पावर स्ट्रिंग सबसे बेस्ट पावर स्ट्रिंग होता है, बैलेंस पावर स्ट्रिंग, ठीक है ना। फर्स्ट सर्विस हो या अभी भैया को इसकी सर्विस की कॉस्ट का नहीं पता, इधर साइड में बैटरी मिल जाती है, जो कि वो भी बहुत यूनिक डिज़ाइन के साथ बना कर दे रखी है ट्रैक्टर की। 9,70,000 रुपये प्राइस है इसके, ऑन रोड मेरठ के अंदर जो भाई ने लिया है वो बताया उन्होंने। इधर मिल जाता है इसका डायनोमो, जो कि बैटरी चार्ज करता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो इधर सेल्फ में इसमें 2 kW मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, जो
सेल्फी सेंटर, आगे का बम्पर भी देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है, कितना जीप की तरह लगवा रखा है एकदम बेहतरीन वाला। और ट्रैक्टर का इंजन में वर्क होना तो इस वाले रोड को आप खोल सकते हो, जो वायर दिख रही तो बोनट बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऊपर को। तो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को बहुत कुछ मिलता है, और प्लेटफॉर्म मैंने आपको जैसे दिखा दिया पीटीओ, इसमें मल्टी स्पीड पीटीओ मिल जाती है आगे पीछे, आप अपने हिसाब से किसी भी गियर में चला सकते हो। इसमें हैंड ब्रेक यहाँ मिल जाता है, ये वाला इसको दबा करके ये लगा सकते हो, बिल्कुल आप इसे चला लीजिए और कार को चला लीजिए सेम फील होएगा। इसमें थकावट बिल्कुल नाम मात्र की होती है, और इसकी सीट जो है वो डिलक्स है, आगे पीछे ऊपर नीचे आप किसी भी एंगल में आप इसको कर सकते हो। तो ट्रैक्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना, और किस किस भाई को पसंद है ये मुझे बताना। अब मैं इसकी आपको साफ दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो पूरी पूरी कवर कर रखी है नीचे जारी 4x4 की, ताकि किसी चीज़ में अड़के या फूसा वूसा से ना लिपटे और ये इम्पैक्ट ना करे। और यहाँ देख सकते हो इसका कितना बड़ा एयर फिल्टर मिल जाता है, ये ऑयल फिल्टर है, फिर उसका हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर में कोई भी अलग से भाई ने भी वेट नहीं लगवा रखा, इसमें इधर वेट लगवाना चाहो तो इतना अंदर इसके अंदर जो दे रखी है प्लेट, इसमें आप इसमें आराम से वेट लगवा सकते हो, ठीक है ना। MRF के टायर मिल जाते हैं, और आपको मैंने बता दें इस ट्रैक्टर की जो छोटी छोटी और इसकी पूरी डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जो कि आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करना प्लीज़, एक एक लाइक का बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी लगती है। तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।